16वीं लोकसभा का ये अंतिम सत्र है और बजट सत्र भी है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके बाद दो दिन तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी जिसमें सारे मुद्दे उठ सकते हैं, और फिर 1 तारीख को बजट रखा जाएगा और बजट के लिए भी 2 दिन आवंटित होंगे। तो ये सेशन बड़ा छोटा है, इसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए केवल 3 दिन बचेंगे। हमारी विपक्षी दलों से हमने इस बात की प्रार्थना की है कि सबका सहयोग मिलना चाहिए ताकि सरकार के पास जो महत्वपूर्ण बिल हैं, अध्यादेश हैं, जिनको पारित होना है, वो पारित हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ कामकाज जरूर इस सत्र के अंदर होगा और जनता में एक अच्छा उसका संदेश जाएगा जी। जो कुछ भी होगा वो संविधान सम्मत होगा जी। तो वो बजट तो बजट ही होता है ना, उसके अंदर तो मैं समझता हूँ जो कुछ है संविधान सम्मत है। हर चीज पर को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए विपक्ष को। देश जो चलना है उसके लिए जो कुछ करना है वो सरकार कर रही है।